आगरमालवा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर मंगलवार को समय 10 बजे प्रदेश की खुशहाली के लिए राम मालीपुरा स्थित राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली उन्नति के लिए विशेष श्रृंगार हवन पूजन एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पंडित दीपक शर्मा द्वारा पूजन संपन्न कराई गई है। पूजन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री बाबूलाल यादव, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश पटेल, NSUI राष्ट्रीय संजीव अंकुश भटनागर, पिंटू जायसवाल सहित समस्त भक्तजन मौजूद भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि हनुमान जी के पुत्र हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आमजन आज मंगलवार के दिन मध्य प्रदेश देश में किसानों की सभी आमजन की सुरक्षा के लिए वो सुखी रहे, संबद्ध रहे, इस हेतु भगवान हनुमान जी का आज हवन पूजन कर आरती की गई। इसी क्रम में आगर जिले में हर शहर में, नगर में, गांव में, प्रत्येक गांव में हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और इसी क्रम में हम लोगों ने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष NSUI के विपिन वानखेड़े जी, हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हमने आज आगर नगर में जहाँ पर राम मालीपुरा में राम मंदिर स्थित है और राम मंदिर में हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके सामने हमने पूजा अर्चना कर हवन शांति कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे कि हमारे नगर में, हमारे आगर जिले में, आगर विधानसभा क्षेत्र में सभी सुखी रहे, खुश रहे, संबद्ध रहे और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि हमारा ये क्षेत्र हमेशा खुशहाल रहे, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा हो और सभी संपन्न सुखी रहें, यही हमारी कामना है। कल 5 तारीख है और कल राम मंदिर का भूमि पूजन है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे राम मंदिर पूरे देश की आस्था का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सभी वर्ग ने, सभी समुदाय के लोगों ने उसका स्वागत किया और राम मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा, हम सब उसका स्वागत करते हैं और भगवान वहाँ पर राम जी की जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें सभी पूरे धर्म के लोग, सभी जाति विशेष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए आज मंदिर की स्थापना की जा रही है। इसमें सब एक राजनीति से हटकर जो सब मिलकर काम कर रहे हैं इसका हम स्वागत योग्य। हमारे देश में सब समाज, सब धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं। आज हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि राम मंदिर की एक अच्छी शुरुआत हो, यही हमारी शुभकामना है। आगरमालवा से ओम प्रकाश सूर्यवंशी की रिपोर्ट।